हेलो चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू टेक अप द टॉपिक ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो बिल्कुल अल्कोहल से अलग बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ रेजोनेंस। तो पहले देख लें ये बेंजीन के ऊपर OH लगने से उसकी प्रॉपर्टीज कैसे बदल गई, अब उसकी एसिडिटी पे क्या इफेक्ट हुआ, उसी के ऊपर बेस्ड हम उसके रिएक्शंस, बट पहले कुछ प्रेपरेशंस भी पढ़ेंगे। प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल करेंगे आज कुछ तरीके जो अब आपके मॉड्यूल में भी हैं, बट उसके थोड़े मैकेनिज्म जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं समझाऊँगी। पहला तरीका है फ्रॉम क्यूमीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप ऑन बेंजीन इज कॉल्ड क्यूमीन। इससे अगर हमें फिनॉल बनाना हो तो क्या तरीका होता है, पहले हम इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन से ये एक डाई रेडिकल होने के कारण फ्री रेडिकल टाइप एक एडिशन है। कौन से पोजीशन पे होगी, क्योंकि मुझे पता है कि फिनॉल के ऊपर एक बेंजाइलिक पोजीशन, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आएगी, इसलिए वहाँ का H निकल के ये एक बहुत अच्छा डाई रेडिकल की एडिशन हुई ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोपेरोक्सी लिंक बन गया क्यूमीन में। नेक्स्ट होगा रीअरेंजमेंट। जब आप इसमें H प्लस डालते हो ये रीअरेंज होके मिलता है एक फिनॉल और साथ में एसीटोन। अब समझें इसका मैकेनिज्म यहां से यहां, ये रीअरेंजमेंट है क्या हुआ। ये कि जब आपके पास बेंजीन में ये वाला ग्रुप अटैच्ड था, H प्लस डालने से प्रोटोनेशन हुई। प्रोटोनेशन कहाँ हो सकती है, आपके पास लोन पेयर है। आउट ऑफ द टू ऑक्सीजन द टर्मिनल वन वुड लाइक टू गो अवे एज वाटर, विच इज अ गुड लिविंग ग्रुप। इन दिस केस व्हेन दिस इज गोइंग टू गो अवे एज अ लिविंग ग्रुप, आई एम नाउ गोइंग टू एंड अप विथ एन ओ प्लस स्पीशीज। ऑक्सीजन विज अ प्लस इज गोइंग टू नाउ वॉन्ट अ ग्रुप टू माइग्रेट टूवर्ड्स इट, बट ऑक्सीजन प्लस जो है बहुत अनस्टेबल है। और कौन सा ग्रुप माइग्रेट करेगा, आउट ऑफ द टू द मोर न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप विल माइग्रेट। नाउ दैट इज वन थिंग टू बी अंडरस्टूड। जब भी ओ पे प्लस चार्ज आए, वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो आउट ऑफ द ग्रुप्स विच आर अवेलेबल वो ग्रुप ढूंढता है जो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम ट्रांसफर करे, तो मोस्ट न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप की माइग्रेशन हुई। अब आगे समझना आसान है कि हुआ क्या होगा। सी पे एक प्लस चार्ज आया है, दो उस पे कार्बन मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और आपके पास एक ट्रांसफर के बाद फिनाइल ओ पे शिफ्ट हुआ। वाटर है, हाइड्रोलिसिस हुआ है, और अब आपका आंसर है CH3COHH+CH3OPH, which can now get converted to a better leaving group, because if you remember pKa of phenol is going to be 10 and that of water is 15.7. So out of the two, a better leaving group will be phenol going out. So this is what has happened. This is going out and the product is what I wanted, preparation of phenol. तो phenol की preparation देखें, cumene से क्या step से हुई। पहला step oxidation, hydroperoxy, उसके बाद rearrangement, rearrangement में पहला terminal oxygen protonate हुआ, अच्छा leaving group बना, oxygen पे plus charge है, nucleophilic ज़्यादा group migrate किया। अब आपके पास जो plus था it can shift after hydrolysis either to the oxonium ion of water or the oxonium ion of benzene or the oxonium ion of phenol, better leaving group migrates and I end up with the product which I wanted. Pehli bahut interesting preparation aur manufacture ka tarika hai, aur jo chote preparations hain wo main aage likh rahi hu. Dusra tarika phenol ka, BDC mein water H plus warm, aapke paas product hai phenol, ye obvious hai, न्यूक्लियोफाइल की तरह अट्रैक्ट हो रहा है और लिविंग ग्रुप आपका नाइट्रोजन बन के निकल गया। थर्ड आपकी प्रेपरेशन है फिनॉल की, कि अगर हम बेंजीन से शुरू करें, H2SO4 फ्यूमिंग डालें, तो यह है सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप बना। बट अगर हम NaOH डालें और फ्यूज्ड कंडीशन में से हीट करें स्ट्रांगली,
तो ये आप अच्छा लिविंग ग्रुप होने के लिए ओ एन ए बना रहे, जो आप एच प्लस डालोगे योर आंसर वुड बी फिनॉल। तो ये एक अगला नेक्स्ट तरीका हमने पढ़ा, वो था पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाओ, उसके बाद जब आप उसमें बेस डाल के हीट करोगे तो सल्फोनेशन डीसल्फोनेशन विल गिव यू फिनॉल। लाइकवाइज डाउज प्रोसेस क्लोरोबेंजीन, आई कैन यूज फर्स्ट फ्रॉम बेंजीन आई कैन कन्वर्ट समथिंग टू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आई नो हाउ डू आई डू दैट, AlCl3 Cl2 एंड हाइड्रस कंडीशन गिव्स यू क्लोरोबेंजीन। ड्रास्टिक कंडीशन अल्काइल हैलाइड्स में भी पढ़ा हमने, NaOH 623 केल्विन 300 एटमॉस्फेयर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर याद है हमें, इज गोइंग टू नाउ बी कॉल्ड डाउज प्रोसेस। तो डाउज प्रोसेस से हम पहले फिनोक्साइड बनाएंगे, बेसिक मीडियम है, और फिर H प्लस से वही फिनॉल मिल जाएगा। तो रिएक्शन हुए क्यूमीन से, फिर BDC से, और तीसरा हमने पढ़ा बेंजीन की सल्फोनेशन करो, डीसल्फोनेशन, क्लोरीनेशन करो, और फिर बाय यूजिंग डाउज प्रोसेस आपने फिनोक्साइड और फिर से फिनॉल बनाया। तो ये कुछ प्रोसेसेस थे जिससे हम फिनॉल बना सकते हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस ऑफ फिनॉल पढ़ते हैं। फिनॉल की एसिडिक नेचर ज़रा समझते हैं। फिनॉल के अंदर रेजोनेंस होने से एसिडिक नेचर अल्कोहल से कहीं ज़्यादा है। इसका रीज़न हम ऑलरेडी कुछ हद तक जानते हैं, बट लेट्स ट्राई एंड वर्क दिस आउट बाय ड्रॉइंग द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आई नो ऑक्सीजन गेट्स अ प्लस चार्ज, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस प्लस चार्ज आई कैन ऑल्सो से दैट दिस OH बॉन्ड इज बिकमिंग मोर पोलर, बिकॉज ऑक्सीजन जब प्लस है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से खींचेगा। अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन खींचना मतलब H प्लस बाहर निकालना। तो जब भी किसी चीज़ की एसिडिटी देखते हैं, वो मैं बता चुकी हूँ, ऑक्सीजन पे एटम जिसके साथ वो जुड़ा है अगर प्लस हो जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने से हाइड्रोजन जो है निकल के प्लस जा सकता है, जिससे हम पहला रीज़न है जिससे हम कह सकते हैं फिनॉल एसिडिक है। दूसरा हम कहेंगे कि अगर मैं लिखूँ फिनॉल और उसका कॉन्जुगेट लिखूं बेस और पूछूं इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबलाइज्ड है, रेजोनेंस तो दोनों में है बट इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे उस पर कहीं पे भी ऑक्सीजन पे प्लस नहीं आता। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल फिनोक्साइड आयन इज स्टेबलर देन फिनॉल ड्यू टू रेजोनेंस, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। द PKa ऑफ फिनॉल इज 10, meaning the dissociation constant is 10 to the power of minus 10. Compared to water, I will say it's about 10 to the power of 6 times a stronger acid. और reason क्या है? ये resonance होने से उसकी acidic strength बढ़ी हुई है। But इसके acidic होने से हम क्या ये मान लें कि ये bicarbonate और acids की तरह test देगा? तो यहाँ पर confusion है और यहीं पर question पूछा जाएगा, does phenol give the bicarbonate test? तो चलो सॉल्व करें इसे, ऐसा क्यों नहीं देता है? ये टेस्ट तब होगा जब आप कोई भी एसिड जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर होगा बीच में डालेंगे। तो सपोज ही मैंने HX को एक एसिड लिया, ये क्या होगा कि H प्लस डोनर है, H प्लस डोनर अब क्या डिस्प्लेस करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा। बट आई नो कार्बोनिक एसिड इज गोइंग टू गिव मी CO2 प्लस H2O एंड दैट इज द कॉज फॉर द ब्रिस्क एफरविसेंस। तो जब भी ये टेस्ट हो और आप कह रहे हो एक स्ट्रॉन्गर एसिड हो, स्ट्रॉन्गर देन व्हाट, स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, देन दिस इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द राइट। व्हाई स्ट्रॉन्गर देन कार्बोनिक एसिड, बिकॉज दिस इज गोइंग टू डिस्प्लेस द वीकर वन। सो अगर हम इसे समझ लें, और मुझे पता है कि इसकी PKa वैल्यू है 7, कार्बोनिक एसिड की PKa वैल्यू 7 है। सो एनी एसिड PKa कितना होना चाहिए, लेस देन 7। सो एक जनरल रिएक्शन समझे, अगर कोई भी एसिड जिसका PKa 7 से कम है यूज करोगे, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड चली जाएगी, वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा और मुझे CO2 और H2O मिलेगा। अब जब आपको समझ आ गया फिनॉल की PKa 10 है तो ऑब्वियस ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और इसीलिए फिनॉल डज नॉट गिव द बाइकार्बोनेट टेस्ट। ये पहली चीज़ समझनी है। बट द मोमेंट आई से कि मेरे पास फिनॉल ने तो ये टेस्ट नहीं दिया था,
no reaction. But if I add now on phenol two nitro groups at ortho and para position, अब क्या कारण है कि ये टेस्ट दे रहा है? मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट फिर से चेक किया और मेरे को क्या मिल रहा है? ONA, साथ में मुझे बहुत सारा ब्रिस्क एफवेसेंस CO2 का मिला. ये क्या प्रूफ है कि नाइट्रो ग्रुप लगाने से फिनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गया है और वो एक्चुअली 10 की बजाय अब 4.2 के आसपास ऑर्थो और पैरा नाइट्रो ग्रुप लगाने से एसिडिक है और इसीलिए अब वो बाइकार्बोनेट टेस्ट देगा. तो अगर कोई क्वेश्चन हो विच ऑफ दीज विल गिव द बाइकार्बोनेट टेस्ट, सो प्लीज अंडरस्टैंड आई मस्ट नो PKa वैल्यूज. इफ द PKa वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन 7 वो टेस्ट देगा और अगर नहीं है उससे ज़्यादा है तो वो नहीं देगा. तो वाटर देगा क्या बाइकार्बोनेट टेस्ट? ऑब्वियस है नहीं देगा क्योंकि वो उससे भी कहीं ज़्यादा कम एसिडिक है फिनॉल से भी. तो सारे मिनरल एसिड्स ये टेस्ट देंगे बट अल्कोहल्स ये टेस्ट नहीं देंगे, वाटर नहीं देगा, फिनॉल भी नहीं देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड सारे देंगे. यहाँ पे ये टेस्ट के बारे में कुछ मुझे बताना था. अब नेक्स्ट मैं कुछ रिएक्शन ले रही हूँ फिनॉल के साथ कि अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिनॉल की करूँ तो इतना ज़्यादा एक्टिवेटेड है ड्यू टू रेजोनेंस. अगेन ये दूसरा कारण है हम रेजोनेंस से इसे कनेक्ट करते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे ये बता रहा है कि ऑक्सीजन पर से प्लस रिंग में जब शिफ्ट होता है तो ऑर्थो पैरा और फिर से जब मैं शिफ्ट दिखाऊंगी फिर उसी पोजिशन ऑर्थो पे मेरे पास नेगेटिव चार्ज आने वाला. सो आई हैव रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विच प्रूव द फैक्ट दैट द रिंग इन केस ऑफ फिनॉल इज एक्टिवेटेड एट दीज थ्री पोजिशंस, टू ऑर्थो पोजिशन एंड द पैरा पोजिशन. सो अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है और अच्छा है तो वो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मुझे मिलना चाहिए. बट अब चेक करते हैं ब्रोमीन डालने पे मेरे प्रोडक्ट्स कैसे हैं. जब हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरे पास प्रोडक्ट जो बनता है वो है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल. ये तीन जगह लगने का कारण क्या है? फिर वही है, रेजोनेंस से एक्टिविटी बढ़ गई है रिंग पे, ब्रोमीन जो है इन सोल्यूशन Br प्लस Br माइनस बना सकता है. बट इससे भी ज़्यादा क्या, वाटर में फिनॉल कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? फिनॉक्साइड, क्योंकि हल्का सा एसिड था इसलिए मैंने एसिडिक प्रॉपर्टी बताई. हल्का सा एसिड होने से वो फिनॉक्साइड है. फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा एक्टिवेटेड है रिंग पे. ज़्यादा एक्टिवेट होने से सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास Br प्लस Br माइनस है, इलेक्ट्रोफाइल है. अटैक कहाँ होगा? रेजोनेंस की तीन पोजिशन एक्टिवेटेड हैं, ऑर्थो और पैरा. इसलिए माई आंसर वुड बी 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल एंड नॉट जस्ट वन ऑर्थो एंड वन पैरा मोनोब्रोमो डेरिवेटिव. बट अगर मुझे चाहिए है मोनोब्रोमो डेरिवेटिव तो इसी को लाया जा सकता है बट सॉल्वेंट बदलना पड़ेगा. कार्बन डाइसल्फाइड में अगर आप ब्रोमीन डालते हैं, आई होप कारण समझ आया, क्योंकि अब ये आयोनाइज नहीं होगा. सॉल्वेंट कैसा है? इसमें आयन्स बन नहीं सकते, ये एक पोलर सॉल्वेंट नहीं है. तो ब्रोमीन अब आयोनाइज होके Br प्लस अच्छा क्वांटिटी नहीं बन रहा. तो मेरा आंसर है फिनॉल के अंदर बनेगा तो सही बट सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट. तो ये जो दो चीज़ें हमने फिनॉल की रिएक्टिविटी इन वाटर डिफरेंट फ्रॉम कार्बन डाइसल्फाइड पड़ी जो बहुत ज़रूरी थी और इससे हमें उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे शिफ्ट हुई रेजोनेंस से एक प्रूफ मिलता है. अगला एक रिएक्शन जो है वो फिनॉल का पढ़ा रही हूँ जो है कोल्ब्स रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म. और क्योंकि फिनॉल से हमने सैलिसिलिक एसिड बनाना है जो एक ड्रग बनाने में काम आएगा, उसकी यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियली है. सो लेट्स गो इनटू कोल्ब्स रिएक्शन. फिनॉल का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और बेस के अंदर हाई प्रेशर पे, अगर हमने CO2 को बबल किया है तो बेसिक मीडियम में फिनॉल तो फिनॉक्साइड है. तो रिएक्शन क्या बनने वाला है? आपका प्रोडक्ट जो इंटरमीडिएट है वो है सैलिसिलेट आयन, ऑर्थो और पैरा पे बनने वाला है. जब आप इसमें H प्लस डालोगे तो नेचुरली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेटेड फॉर्म आपको सैलिसिलिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलने वाला है. तो हम लिखें सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन है ये मेजर प्रोडक्ट, साथ में दूसरा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. एंड आई रियली वांट दिस प्रोडक्ट टू बी फॉर्म. इसका मैकेनिज्म क्या है? तो सैलिसिलिक एसिड का मैकेनिज्म क्या रहा होगा? पहला स्टेप हुआ होगा जब आप KOH डाल रहे हो तो फिनॉक्साइड आयन,
फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, उसके ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज है। CO2 एक इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि वह पाई क्लाउड शिफ्ट होने से प्लस बॉन्डिंग हो सकती है। तो क्या हुआ, एक आपके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होके नया कार्बन कार्बन बॉन्ड कॉल्स में बनाए, तो हुआ ये आपके पास बन गया ये एक डेंसिटी और एक सी और एक ओ माइनस। आई होप यू आर ओके अबाउट दिस। ये शिफ्ट हुआ, एरोमेटिसिटी का लॉस हुआ और एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया ऑक्सीजन के शिफ्ट होने से। ये जो है एरोमेटिक नहीं है और वो वापस एरोमेटिसिटी चाहता है, तो अगला चीज ओ एच माइनस इस एच को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी और ये बाहर, तो आपके पास एक प्रोडक्ट तो समझ आ गया ओ माइनस सी ओ ओ माइनस। दूसरा कैसे बना होगा, क्योंकि आप कह रहे हो कि रेजोनेंस है, दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर मैं ये बना दूं, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो, ये माइनस भी रेजोनेटिंग हो सकता है, अटैक ऑफ सी ओ टू अगर इस पे हो, तो आई होप हमें समझ आ रहा है कि अटैक इस पे होने से मेरा दूसरा प्रोडक्ट भी बन सकता था, वो आई होप आफ्टर शिफ्टिंग क्लियर है पैराफॉर्म। अब मैं कह रही हूँ दैट वंस आई हैव दीज टू दैट हैव बीन जनरेटेड इन सोल्यूशन, दिस प्लस पैराफॉर्म क्या डालूं, एच प्लस डालते हैं दोनों में और मेरा प्रोडक्ट वापस मिल गया मुझे सैलिसिलिक एसिड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, हाई प्रेशर, CO2 का अटैक और फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ऐसा ही एक और रिएक्शन है जो आपके IIT क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं उस पर, वो है रिमर्टीवन रिएक्शन। उससे हम सैलिसाइल्डिहाइड भी बना सकते हैं और सैलिसिलिक एसिड भी, इसको भी पढ़ते मैकेनिज्म के साथ। रिमर्टीवन रिएक्शन में हम फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म और बेस डालते हैं। तो ये मुझे इंटरमीडिएट याद रखना चाहिए कि जब भी क्लोरोफॉर्म में बेस डालोगे तो ये डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट बनाने का तरीका है, वो हमें समझा रहे हैं। बट बेसिक रिएक्शन का प्रोडक्ट देख लें क्या बनता है, ओ एच सी एच ओ सैलिसाइल्डिहाइड प्लस पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड मेरे प्रोडक्ट्स हैं। मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, ये दो स्टेप में हुआ होगा, बेसिक मीडियम के बाद आपने एसिडिक, ताकि आपने ये वापस एच लगा दिया। व्हाट वुड हैव हैपेंड हियर, सी एच सी एल थ्री हैज थ्री विदड्रॉइंग ग्रुप्स, जिसके कारण क्या हो गया, ये हाइड्रोजन एसिडिक हो गया है, बेस आपने डाला है ओ एच माइनस, वो एच को लेके जाएगा एस प्लस, तो क्या बना, आपके पास एक कार्बन आयन आया, वो है ट्राइक्लोरो कार्बन आयन। बट इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, ये काफ़ी स्टेबल है, रीज़न कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है दो, ये डी के अंदर शिफ्ट हो सकते हैं, बैक बॉन्डिंग हो सकते हैं और ये काफ़ी प्लेनर स्पीशीज हो जाएगी, स्टेबलाइज प्लेनर हो गई। अगर इसमें से एक सी एल माइनस निकले न्यूट्रल होने के लिए, तो ये बनेगा अब ये नई स्पीशीज डाइक्लोरोकार्बीन। इलेक्ट्रॉन गिने तो सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने से ये क्या होगा, एक अच्छा इलेक्ट्रोफाइल। तो अब दो चीज़ें जनरेट हो गई, फिनॉल में से बेस डालने पर एक फिनोक्साइड जो एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि वो कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज जनरेट किए हुए है रेजोनेंस से, और साथ में आपने एक डाइक्लोरोकार्बीन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रोफाइल और साथ में एक आपके पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल जहाँ पे रेजोनेंस है, डेंसिटी शिफ्टेड है, तो ये वाला अटैक इस पे अगर हो तो मेरे पास बनने वाला है, पहला बेंजीन शिफ्ट करेंगे ऑक्सीजन के ऊपर, अब हम डबल बॉन्ड ला रहे हैं, यहाँ पे CCl2 लगा है, एक H लगा है, ये स्ट्रक्चर बना। इंटरमीडिएट दोबारा देखें, ये शिफ्ट हुआ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ पे आपने एक नया बॉन्ड बनाया, मैं इस ऑर्थो पोजीशन को नहीं बना रही थी, इधर बनाया ताकि हमारा ये स्ट्रक्चर बने। अब देखें ये बॉन्ड बनने से कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला एच निकल सकता है, ये अच्छा बेस है, एच को ले लेगा, इलेक्ट्रॉन वापस शिफ्ट हो गए, एरोमेटिसिटी आ गई, तो मेरा शिफ्ट के बाद बना ओ पे माइनस, वापस रिंग कंप्लीट और सी एच सी एल सी एल। ओके और नो, दोबारा देखें, फिनॉल एच प्लस निकला,
फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बन पे नेगेटिव, बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल, उसने अटैक किया एक इलेक्ट्रोफाइल, 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम डेफिशिएंट, जैसे ही बॉन्ड बनेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो वो साथ वाला एच अट्रैक्ट कर रहा है, एच के जाने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हुई, एरोमेटिसिटी वापस आ गई, हम पहुंच गए इस स्पीशीज में। प्लस एक और फॉर्म कौन सा, पैरा तो हर बार ही बन ही रहा है ना, रीजन क्यों, क्योंकि रेजोनेंस आपने का ऑर्थो एंड पैरा, सो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन ऑफ अ पैरा बीइंग अटैक्ड इन द सेम वे, तो ये बना साथ में पैरा बना। अब अगली चीज क्या है, हाइड्रोलिसिस होनी है इसकी, तो हाइड्रोलिसिस जरा लिखें कैसे हो रही है स्पीशीज की, आगे लिखते हैं। आपके पास ये स्पीशीज है, साथ में आपके पास वाटर है, बेस प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। अगर ये सब एक मिनट गलत बना, आपके पास स्पीशीज है, साथ में आपने OH माइनस डाल रखा है, हाइड्रोलिसिस हो रही है, जैसे ये अप्रोच करेगा OH माइनस कमिंग फ्रॉम द बेस Cl बाहर, क्या बन गया ये O माइनस, वैसे ही एरोमेटिसिटी वैसे ही, अब आपके पास बना एक H, एक Cl, एक OH, बट बिकॉज Cl इज अ गुड लिविंग ग्रुप, आपके पास नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, शिफ्ट हो गया और Cl बाहर, अब ये बन गया है OH और C डबल बॉन्ड OH प्लस एन एच, एच निकल जाएगा, बेस है, प्रोडक्ट मेरे पास जो चाहिए था बन गया, और वो है OH CHO, और ये साथ में पैरा फॉर्म फिर से क्यों, क्योंकि रेजोनेंस तो हमेशा थ्रू आउट ऑर्थो और पैरा पे चल रही थी। ये जो नाम है ये है सैलिसाइल्डिहाइड। तो आपने रीमेटीमन मैकेनिज्म समझा, पढ़ा, उसके इंटरमीडिएट पढ़े, इसको बहुत अच्छी तरह लिख के रिवाइज कर लें, क्योंकि IIT में हर साल किसी ना किसी फॉर्म में पूछा जाता है। इसके मैकेनिज्म के मैंने जो कहा पॉइंट्स नोट करने, और इसके बाद मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगी। बट एक और रीमेटीमन रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड बनता है, ना वो भी लिख लें, मैकेनिज्म चाहे ना भी उसका नोट करें, बट एटलीस्ट वन शुड नो हाउ इज इट गोइंग टू गिव यू डायरेक्टली सैलिसिलिक एसिड। जब CCl4 लेते हैं तो आपका रिएक्शन अब रुकेगा नहीं सैलिसाइल्डिहाइड पे, आपके पास 3 Cl वाला इंटरमीडिएट बना था, तीनों हाइड्रोलाइज हुए होंगे, बेस के बाद आपने H प्लस डाला है, और आपका प्रोडक्ट सैलिसिलिक एसिड डायरेक्टली बना सकते हैं यूजिंग दिस सेम रिएक्शन। अगर मुझे सैलिसाइल्डिहाइड से सैलिसिलिक एसिड जाना है तो मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, तो इफ़ द क्वेश्चन इज कन्वर्ट सैलिसाइल्डिहाइड टू सैलिसिलिक एसिड, आई कैन यूज समथिंग विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन, दैट इज टॉलेंस रिएजेंट फॉलोड बाय एच प्लस, क्योंकि कन्वर्जन में कई बार ही आएगा, आपने सैलिसाइल्डिहाइड तो रिमेटीमेंट से बना दिया, CCl4 अगर नहीं डाला तो आपको अब बीच में टॉलेंस से वहाँ पहुँचना पड़ेगा सैलिसिलिक एसिड तक। अब नेक्स्ट कुछ रिएक्शंस बता रही हूँ वो इम्पॉर्टेंट है कि सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसे बनता है, क्योंकि एक एंटीपायरेटिक है, एक एनल्जेसिक है जिसके बारे में हमें बात करनी है, वो है एस्पिरिन। अगर आप एसिटिक एनहाइड्राइड या CH3COCl पिरिडीन रिएक्ट करते हैं सैलिसिलिक एसिड से, तो मेरा प्रोडक्ट है उसका नाम है एस्पिरिन OCOCH3। देख रहे हो फंक्शनल ग्रुप एक एस्टर है, 2-acetoxy बेंजोइक एसिड। अब ये क्योंकि एक पेन रिलीवर है, इसे बनाना ज़रूरी है, इसका ये स्टेप मैकेनिज्म से ज़रा समझें, क्योंकि इसकी कमर्शियल इम्पोर्टेंस काफ़ी है। तो देखिए क्या, जब आप यूज़ कर रहे हो CH3COCl, आप पहचान रहे हो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और आपके पास ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, द मोमेंट वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा आपके पास ये ऑक्सीजन शिफ्ट हुआ, तो CH3CO- दिस एंटायर ह्यूज ग्रुप विद अ प्लस चार्ज एंड COOH, बट बिकॉज आई ऑल्सो हैव अ गुड लिविंग ग्रुप, जैसे ये निकलेगा Cl बाहर, तो क्या बन गया ये, आई हैव नाउ एंडेड अप विद CH3COO बेंजीन COOH आफ्टर लॉस ऑफ H प्लस ऑल्सो, और ये क्या है 2-acetoxybenzoic एसिड, एस्पिरिन है। ये कैसा रिएक्शन हुआ है, हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर एक लॉस ऑफ HCl होने से एसिटाइलेशन है, तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है जो मैंने मैकेनिज्म बताया,
और इसका प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट है जो हमें समझना है. अगर सैलिसिलिक एसिड में हम मीथेनॉल डालें इन एच प्लस या फिनॉल डालें इन द प्रेजेंस ऑफ एच प्लस, तो आई होप हम पहचान रहे हैं कि आपके पास एक फिनॉलिक ग्रुप, ये भी फिनॉलिक ग्रुप. तो रिएक्शन अब एसिड और अल्कोहल का या एसिड या फिनॉल का एक एस्टर देने वाला है. अब रिएक्शन एस्टरिफिकेशन का मैकेनिज्म हम ही जानते हैं. तो हमारा प्रोडक्ट क्या हुआ? हमारा प्रोडक्ट हुआ अब फिनॉल पे रिएक्शन नहीं हुआ और आपका एस्टरिफिकेशन गिव्स यू दिस प्रोडक्ट विच इज मिथाइल सैलिसिलेट. तो ये प्रोडक्ट मिथाइल सैलिसिलेट. और दूसरा इसमें क्या होगा? फिनॉल डाल रहे हो उसके बजाय रिएक्शन सिमिलर है तो पहला OH और COOPH ये क्या है? फिनाइल सैलिसिलेट. तो प्लीज मेक अ नोट, फिनाइल सैलिसिलेट. दोनों के कॉमन नेम याद करें, ये है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन और इसका नाम सेलॉल. दोनों की इम्पॉर्टेंस एक परफ्यूमरी में और दूसरा जो है एक इंटरनल इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करता है. तो तीन चीज़ें हमने पढ़ी रिगार्डिंग फिनॉल की रिएक्शंस. एक, हम रिएक्शन जब भी करें फिनॉल की, अगर हम CO2 के साथ करते हैं तो हम सैलिसिलिक एसिड बना सकते हैं आफ्टर ट्रीटिंग विद एन एसिड. अगर मुझे रिमर्टीमिन करना है तो दो तरीके से कर सकते हैं. अगर हम क्लोरोफॉर्म डालें डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म के साथ, आपके पास ऑर्थो या पैरा डेरिवेटिव बनता है OHCHO, तो आपको या सैलिसाइल्डिहाइड या पैराहाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड मिलता है. और अगर मैं CCl4 डाल दूं उसी रिएक्शन में तो मेरा प्रोडक्ट जो है वो सीधा आपको सैलिसिलिक एसिड या पैराहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड मिलता है. लास्टली जो हमने पढ़ा वो रिएक्शन इन दिस केस कि अगर आपके पास सैलिसिलिक एसिड हो तो हमें तीन चीज़ें एस्पिरिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन एंड सेलॉल की प्रिपरेशंस किसी ना किसी फॉर्म में IIT क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती हैं. तो दैट इज़ वाई दिस थ्री वर डेल्ट विद. अब लास्टली कुछ टेस्ट ऑफ फिनॉल में डिस्कस कर रही हूँ. फिनॉल का एक टेस्ट और, वो है न्यूट्रल FeCl3 के साथ. वो एक वायलेट कलर देता है जो कॉम्प्लेक्स है. तो न्यूट्रल FeCl3 न्यूट्रल, आई होप समझ आ रहा है. क्यों? क्यों? अगर ये एसिडिक है तो इन दैट केस ये H निकलेगा नहीं, और अगर आप बेसिक ले लोगे तो फेरिक हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट होने लगेगा. तो एग्जैक्टली न्यूट्रल मीडियम आपको FeCl3 में ड्रॉप वाइज अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के बनाना होता है. और इससे आपका कलर क्या बनेगा? इससे एक कलर मिलता है वायलेट कॉम्प्लेक्स विच इज दिस. तो पहला टेस्ट, सारे के सारे फिनॉल्स इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स देते हैं जो कंजुगेशन एक्सटेंडेड होने के कारण इंटेंस कलर देता है. एक और टेस्ट है, वो एक कपलिंग रिएक्शन. तो कपलिंग रिएक्शन क्या है कि अगर मैं BDC लूं, वो है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, रिएक्ट्स विथ फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस व्हेन द pH इज बिटवीन 9 to 10, मतलब फिनोक्साइड आयन है. और प्रोडक्ट हमारा क्या है? एक ऑरेंज कलर की डाई मिलती है, वो है पैरा या ऑर्थो डिपेंडिंग ऑन विच पोजिशन यू कैन ब्लॉक. तो अगर पैरा ब्लॉक करते हो तो ऑर्थो से भी लग सकता है, पैरा हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. तो इट इज पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन. क्या खास बात? एक रेड PPT है ये. तो ये क्या हुआ? फिनॉल का टेस्ट हो गया, बट कंडीशंस pH कितना चाहिए? 9 से 10. कपलिंग रिएक्शन है. तो अब हमने कुछ टेस्ट पढ़े. बाइकार्बोनेट या टेस्ट नहीं देता, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट देता है, एस्टर ये बनाता है, और दूसरा एक और चीज़ जो हमने पढ़ी कि ये एजोडाई टेस्ट देता है. अब वंस वी फिनिश विद द बेसिक टेस्ट्स ऑफ फिनॉल, एक दो और रिएक्शन पढ़ाऊंगी जो ज़रूरी हैं इस चैप्टर में. फिनॉल पर से अगर मुझे OH ग्रुप हटाना है तो जिंक डस्ट में हीट करना मुझे याद होना चाहिए, पार्ट ऑफ अ रिएक्शन हो सकता है. और दूसरा, फिनॉल्स को अगर एयर में हम ओपन छोड़ दें, ऑक्सीडाइज हों, तो वो कलर हो जाते हैं उनके क्विनोन्स एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बनने के कारण पिंक से इंटेंस कलर्स जा सकते हैं. तो ये क्विनोन आपको पता होना चाहिए क्या प्रोडक्ट है और कैसे ऑक्सीडाइज होके इसमें आपके पास कॉन्जुगेशन एक्सटेंड हुई है. एक रिएक्शन देखो जो मैं ऑलरेडी बता चुकी, ये भी टेस्ट फॉर फिनॉल भी था कि अगर फिनॉल के अंदर ब्रोमीन वाटर डालूं. हमने पढ़ा क्या कारण था कि फिनॉल के ऊपर 3 जगह ब्रोमिनेशन होने वाली है. तो ये तो इंटरेस्टिंग चीज़ थी, आई अंडरस्टैंड वाई एक्टिवेटेड एंड ऑल दैट.
अब मेरा क्वेश्चन है, अगर बेंजीन के ऊपर आपके पास सल्फोनिक एसिड और OH ग्रुप लगा है और अब मैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट दूं, तो मेरा प्रोडक्ट क्या है? तो ऐसे लगता है कि दो आपके पास बियर लगेंगे क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, बट एक्चुअली आंसर क्या है फिर से ये, व्हाट हैज हैपन टू दिस SO3H? प्लीज अंडरस्टैंड, SO3H इज अ गुड लिविंग ग्रुप. तो जब भी आपके पास एक रिएक्शन है कोई जो आप टेस्ट नहीं समझ पा रहे हो कि वो SO3H या COH देखो, और टेस्ट का आप प्रोडक्ट अगर नहीं पहचान पा रहे हैं तो कनेक्ट, क्या वो अच्छा लिविंग ग्रुप तो नहीं है? और अगर वो SO3H या COH है, हो सकता है रिएक्शन के दौरान वो निकल गया हो, इसलिए आपका टेस्ट सेम एज फिनॉल ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव बनता है. ये याद करना था, एक पॉइंट था इंपॉर्टेंट जो कॉम्पिटिशन के ज़रूरी. अब एक क्वेश्चन IIT का करा रही हूँ और फिर आप मॉड्यूल के क्वेश्चन सारे ट्राई करोगे. ये आपका फिनॉल का चैप्टर आई थिंक हर एक एस्पेक्ट से कवर्ड होगा. एक IIT क्वेश्चन देखो, इन रिमेटिमिन रिएक्शन इन विच सैलिसाइल्डिहाइड हैज बीन फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट्स वर इन्वॉल्व्ड? ABCD कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? रिएक्शन याद है हमें, डाइक्लोरोकार्बिन इंटरमीडिएट था, ऑर्थो और पैरा पे फिनॉक्साइड का रेजोनेंस से इफेक्ट होने के कारण ये समझ आ रहा है कि ऑर्थो पे जैसे ही अप्रोच किया होगा कार्बन माइनस, आई नो ए बना था. अब देखें क्या आपके पास H का ट्रांसफर हुआ इस पे, ये एरोमेटिक हो गया, समझ आया? क्या बेसिक मीडियम में ये बना था? बी नहीं बना था. तीसरा देखें, अब आपके पास फिनॉक्साइड जो है वैसे ही अभी एक्टिव है और आप कह रहे हो हाइड्रोलिसिस शुरू हो जाए इसके शिफ्ट होने से पहले, तो सी भी नहीं हो सकता. तीसरा देखें, आपके पास दो Cl है और ये H उसने एक्सेप्ट किया और ये फिनॉक्साइड बन गया, ये भी आपका इंटरमीडिएट पॉसिबल है. तो ये आपका एक IIT क्वेश्चन रिमेटिमिन पे बेस्ड, जो मैं कह रही थी बहुत बार ही आता है. टेस्ट मैंने सारे करा दिए जो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ज़रूरी हैं फॉर इवन मेंस एग्जाम्स. सो अब एक काम करें, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन करें, फिनॉल के सारे प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ पढ़ लें और आई एम श्योर आपका ये बहुत टॉपिक अच्छी तरह तैयार होगा. गॉड ब्लेस.